साहब, अहेरा गांव नगला सीताराम, तहसील खेरागढ़ सैया थाना। क्या समस्या लेकर यहाँ आए? दारू के ठेके को लेकर समस्या को आए। क्या दिक्कत है दारू के ठेके से? दारू साहब वहाँ भूचड़ खाना है, दारू बिकती है और साहब गांव वाली लड़कियाँ बहु बेटियाँ निकल के जाती हैं, लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं। सामने ही कॉलेज है, बिल्कुल कॉलेज है, जस्ट सामने ही है, 50 मीटर की दूरी पे कॉलेज है। क्या नाम है इस कॉलेज का? ग्राम समाज इंटर कॉलेज। अच्छा, हाँ जी। क्या दिक्कत आती है फिर? क्या दिक्कत आती है साहब? वहाँ खड़े होकर पेशाब करते हैं और अभद्रता से बहु बेटियों की तरफ नजर करते हैं, बुरी नजरों से देखते हैं, मारते हैं, झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी, खूब अच्छी झगड़ा, हम पे वीडियो भी है झगड़े की। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम इसे क्या कैसे भी करके डीएम साहब के पास आए हैं। साहब एसडीएम का साहब को 2 बार दे चुके हैं हम, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब आज यहाँ से लेकर डीएम साहब के पास आए हम, 20-25 लोग, बड़े बूढ़े हमारे, हम सभी आए हैं। तो हम यही आस लेकर आए हैं वहाँ से, ये दारू खाना और भूचड़ खाना हटवा दिया जाए। हम राज्य में तो सब चीज हट रही है, हमारे यहाँ से नहीं हट रही है। अभी तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है साहब, बिल्कुल नहीं सुनवाई हो रही है। अच्छा, क्या करें बताओ, मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा है। नाम है मेरा मलकान सिंह, गांव पोस्ट अहला, जिला आगरा, खेड़ाड़ तहसील है और थाना सैया लगता है मेरा। क्या सर आपके ठेके को लेकर परेशानी है? हमें ये परेशानी है, कॉलेज के सामने ठेका है 50 मीटर पे और वहाँ बच्ची पढ़ने जाती हैं, तो वहाँ पर शराब ही अभद्रता से और बच्चियों को यानी परेशान करते हैं। और हमने 2 बार एसडीएम साहब को दे चुके हैं ज्ञापन, उन्होंने कुछ सुना नहीं है, वहाँ पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा, इसलिए हम यहाँ डीएम साहब के पास आए, कोई हमारी समस्या सुने तो इसका समाधान निकाले। अगर मानी समस्या नहीं सुनती है, नहीं सुनेगी तो हम भी कुछ भी धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो अपनी जान देंगे फिर, और क्या करेंगे। परेशान है आप लोग? हमें 2-1 साल से परेशान है, कोई नहीं सुनने आए, क्या करें साहब? बाबा तो कह रहे हैं, बाबा की आज सुनाई होती तो आज सरकार में, तो फिर आज ये काम ही हो जाता। एक मिनट में मैं एसडीएम और डीएम, एसडीएम साहब 2 बार दे चुके हैं, कुछ नहीं सुनने, कोई सुनने नहीं नहीं हो रही। बाबा की सरकार सुनवाई होती तो एक मिनट में उठ जाता। ठीक है, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह कहाँ से हो? महिला से। हाँ, सीताराम भैया। शराब के ठेके को लेकर क्या दिक्कत आ रही है? शराब के ठेके को ये आ रही है कि शराब ही उस रोड पर नंगे होकर के पड़े रहते हैं। अब बच्ची लड़की पढ़ने जाती है, 500 बच्ची स्कूल में, ग्राम समाज इंटर कॉलेज में, ग्राम समाज इंटर कॉलेज में बच्ची पढ़ने जाती है, वो बहुत परेशान है बेचारी। हाँ, बहु बेटी आर खेत जा रही है तो नंगे के पेशाब कर रहे हैं, रोड पर पड़े हैं, दारू पी के बक रहे हैं, ये परेशानी है। और इसकी शिकायत आपने की? हाँ, करी। कितनी बार शिकायत कर चुके? हम 3 बार कर चुके, समस्या समाधान नहीं, कुछ नहीं हुआ। की सर? एसडीएम, डीएम और थाने में। अच्छा, अब आज आप आए हैं? आज हम यहाँ आए। तो क्या क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये ठेका हटना चाहिए। हटना चाहिए।